मेरा नाम शहपर इमाम बिन हसन है। मेरा नाम शहपर इमाम बिन हसन है। मैं हसन निसार साहब का बेटा हूँ जो जंग अखबार में कॉलम लिखते हैं और जियो टीवी पे मेरे मुताबिक प्रोग्राम में आते हैं। आखिरी जॉब तो मैंने यूनाइटेड एमिरेट्स में जो प्रॉपर जॉब थी वो की थी द गल्फ टुडे में। वहाँ पे मैं ओपिनियन सेक्शन में था, इंचार्ज था, जिसमें आर्टिकल और कॉलम्स आते हैं। वो जॉब मेरी 2014 के मिड में ख़त्म हुई है। फिर मैं वापस आया हूँ पाकिस्तान। डालता वो पता नहीं बता रहा हूँ ना, अजीब चूतिया सा आदमी है जो वहाँ पे आ गया मेरे पीछे। कहां पर आ गया, यूएई क्या कहता? वापस आओ, आ क्यों नहीं रहे हो? हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना रहा हूँ। मैं वापस आऊँ तो भैन चो लल भी नहीं, कुछ भी नहीं भैन चो। उल्टा ये कि मैं फंस गया वापस आकर, भैन चो दुनिया मेरे पीछे पड़ गई है, दुनिया मेरे पीछे पड़ गई। मैं तो बहुत परेशान हूँ, बहुत मुश्किल हुई हूँ मैं। कभी तेरे बाप ने तेरी हेल्प करने का नहीं सोचा कि तुम आज इस कंडीशन में विदाउट जॉब्स, तो कभी तेरी हेल्प कर दी जाए? क्या नहीं, वजह, क्या क्या वो तुझे इस काबिल नहीं समझता, या तुमने कोई नाफरमानी की हुई है, या नहीं मैंने वो कोई नाफरमानी नहीं की। और वो बड़ा अजीब सा आदमी है, बहुत चूतिया सा आदमी है, कुछ करता नहीं है। टीवी पर तो बड़े बड़े इंटरव्यू दे रहा है कि ऐसे करो, मुल्क में ऐसे करो, बेटा रुल रहा है, कोई इसको एहसास नहीं है? यही तो मैं बता रहा हूँ कि बड़ी अजीबोगरीब किस्म की हरकतें कर रहा है। ओ भाई, तू मुल्क के बारे में बातें कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, भैन चो चूती है। तूने अपना इतना घर बनाया, ये किया वो किया, और हमारे लिए उस घर में जगह ही नहीं। तूने कमरे ही नहीं बनाए, हमारे लिए रहने की जगह नहीं बनाई। अजीब भैन।